दोस्तों देख सकते हैं आप किस तरह ये लड़ाई कर रहे हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप कितना एग्रेसिव स्नेक के साथ रहना पड़ता है। दोस्तों अगर सावधानी हटी तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सर्पित रेसिपी यादव पे। दोस्तों फटाफट के अंदाज में हम जंगल पहुंच चुके हैं दोस्तों, और काफी स्नेक मेरे पास हो गया था और रेस्क्यू किए थे तो रिलीजिंग नहीं कर पाए थे। तो दोस्तों उसी के अंदाज में हम आज फॉरेस्ट आ गए हैं। आप देख सकते हैं कितना माहौल शांत माहौल पड़ा हुआ है दोस्तों, और उसी के अंदाज में हम सभी स्नेक को फॉरेस्ट लेके आ गए दोस्तों, और सभी स्नेक को हम पुनर्वास के लिए जंगल में आज रिलीज कर देंगे दोस्तों। तो अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों दिखाते हैं कौन सा स्नेक है। दोस्तों ऐसे में तो हर हमेशा खतरा बना हुआ रहता है दोस्तों, और बहुत ही खतरनाक मंजर और बहुत ही खतरनाक सीन होने वाला है, और आप देख ही सकते हैं कि किस तरह हमारे थंबनेल पे लगा हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहें, चलिए दिखाते हैं कौन सा स्नेक है। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहें। दोस्तों आप देख के समझ सकते हैं भारत का सबसे जहरीला स्नेक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा यानी खरीक है दोस्तों, और बहुत ही ये खतरनाक और गुस्सेले सांप होते हैं। तो दोस्तों चलिए फटाफट के अंदाज में सभी स्नेक को हम बाहर करते हैं। दोस्तों आप वीडियो में जरूर बने रहिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलिए उसी के अंदाज में अभी हम सभी स्नेक को बाहर करते हैं। दोस्तों अब देखने की घड़ियां समाप्त होती है दोस्तों, और स्नेक को इसी के अंदाज में हम बाहर निकालते हैं। आप देख सकते हैं डिब्बा में अगर आप लोग को झलकाई देता होगा तो ये फन पे आ चुके हैं। और दोस्तों हम सभी स्नेक को एक एक करके बाहर करते हैं। दोस्तों वीडियो में आप जरूर बने रहिएगा, और खतरा तो हर हमेशा बना हुआ रहता है दोस्तों। दोस्तों आप देख के समझ सकते हैं भारत का सबसे जहरीला स्नेक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा यानी खरीक है दोस्तों, और बहुत ही खतरनाक स्नेक है। आप देख के समझ सकते हैं दोस्तों, दोस्तों इसके साथ बहुत ही देख सकते हैं आप किस तरह ये लड़ाई कर रहे हैं। जो थोड़ा इसे हम रोकने का प्रयास करेंगे, एक एक करके जा रहे हैं, कोई रुकना नहीं चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये काफी गुस्सेले स्नेक है। देख सकते हैं दोस्तों, और एक स्नेक अभी और है। दोस्तों इसे भी हम बाहर निकलने का पूरा प्रयास करेंगे।
के समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा यानी खरीक है। ये भी रुकना नहीं चाह रहे हैं, थोड़ा देखते हैं प्रयास करते हैं कि ये रुकते हैं या नहीं। दोस्तों ये रुकना तो नहीं चाह रहे हैं, तो दोस्तों जाने देते हैं। सभी स्नेक में दोस्तों ये एक स्नेक रुका है जो आप देख सकते हैं, ये बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा यानी खरीक है दोस्तों। दोस्तों ये हमारे भारत में दूसरे नंबर पे ये स्नेक आते हैं जो कि काफी ये बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। और दोस्तों इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम यानी जहर पाया जाता है दोस्तों, और अगर ये काट ले तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है दोस्तों, ना कि झाड़ फूक तंत्र मंत्र में। अगर दोस्तों झाड़ फूक तंत्र मंत्र में आप जाते हैं तो आपके साथ कभी भी हादसा हो सकता है दोस्तों। इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन वेनम जहर पाया ही जाता है, लेकिन ये 3 मिलीग्राम तक अगर आपके शरीर में जहर ये छोड़ते हैं तो कुछ नहीं होंगे, लेकिन 3 मिलीग्राम से ज्यादा अगर ये स्नेक जहर छोड़ते हैं तो आपको शरीर में एंटी वेनम का जरूरत पड़ता है, ना कि दोस्तों झार फूक तंत्र मंत्र में, जो कि दोस्तों वहां जाते हैं दवा पीने पिलाने के चक्कर में रहते हैं और उसका मृत्यु हो जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं स्नेक रपेट के भी नहीं काटते हैं, ये काफी गुस्सेले स्नेक है दोस्तों, देख सकते हैं ये किस तरह। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक मंजर है, और दोस्तों आप लोग जरूर सोचते होंगे ये स्नेक में सट के बैठे हुए हैं। दोस्तों बिल्कुल हम स्नेक में सट के नहीं बैठे हैं, और दोस्तों जब आप नया नया स्नेक सेवर हैं तो इस टांग को लेके स्नेक को पकड़े, थोड़ा सा दीजिएगा इधर, देखिए इस टांग को दोस्तों आप देख सकते हैं। अगर आपको स्नेक पकड़ने में दिक्कत हो तो इसको इस तरह पकड़े, ऐसे पकड़ के दोस्तों, और इसको इस तरह खड़ा कर लें, देख सकते हैं दोस्तों, और इसी तरह स्नेक को आप रेस्क्यू करें दोस्तों, ना कि स्नेक को हाथ लगाएं। दोस्तों अभी अभी नए नए स्नेक सेवर जो होते हैं वो स्नेक के साथ बिल्कुल गलत व्यवहार करते हैं और स्नेक काट बैठते हैं यानी बाइट कर लेते हैं, तो दोस्तों ऐसा आप कतई ना करें। अगर स्नेक आपको बाइट करता है तो आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं। दोस्तों इस जगह हम थोड़ा देख लें कि काहे स्नेक इस जगह है या नहीं, तो दोस्तों सभी अपने अनुकूलित वातावरण में चल दिए दोस्तों, और आप देख सकते हैं एक ही स्नेक जिसमें हम 5-6 कोबरा को छोड़े, जिसमें एक स्नेक रुके गए दोस्तों और सभी स्नेक चला गए। दोस्तों इसमें भी एक स्नेक है, अभी तो इसको नहीं दिखाएंगे, इसको जाने देते हैं, उसके बाद हम इसको निकालते हैं। आप देख सकते हैं ये काफी बिग साइज का इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा दोस्तों, इसे भी हम जाने देते हैं। आप देख सकते हैं इस जगह डिब्बा का कमी नहीं है, तो हम चाहते हैं कि तुम भी चले जाओ भाई। दोस्तों स्नेक कभी रपेट के भी नहीं काटता, आप देख सकते हैं, इसे भी हम जाने देते हैं। दोस्तों देख सकते हैं आप कितना एग्रेसिव स्नेक के साथ रहना पड़ता है दोस्तों, अगर सावधानी हटी तो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों स्नेक को हम जाने देते हैं। ये भी चल दिए दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये भी अपने पर्यावरण में चल दिए हैं। दोस्तों मेरे पास ऑलरेडी सभी स्नेक को यानी कोबरा को छोड़ दिए दोस्तों, और एक सबसे इंडिया का सबसे मोस्ट वेनमस स्नेक जो एक नंबर पे आते हैं कॉमन करेट, अब इसे हम पर्यावरण में रिलीज करते हैं। दोस्तों हम चाहते हैं कि इसको सांप में थोड़ा निकालें क्योंकि आप लोग पहचान सके। दोस्तों आप देख सकते हैं ये साइलेंट किलर है,
दोस्तों ये इंडिया का सबसे मोस्ट वेनमस स्नेक है, साइलेंट किलर। इसे थोड़ा अभी हम रोक के आप सबको थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। साफ में लगते हैं ये कॉमन कर रहे थे दोस्तों, और इसका हम थोड़ा मुंह पकड़ लिए हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा दोस्तों डिब्बा में रहने के बाद ये थोड़ा दोस्तों ये केचुल में आ गए हैं, और यही कॉमन करे थे दोस्तों, इंडिया का सबसे मोस्ट वेनमस स्नेक कॉमन करे। आप देख के समझ सकते हैं दोस्तों, ये इसका थोड़ा हम केचुल छुड़ाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसे भी हम अब जंगल में रिलीज कर देते हैं, तो दोस्तों आप वीडियो में जरूर बने रहें। दोस्तों इसे भी हम जोने देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये किस तरह बैठते हैं, तो हम चाहेंगे कि ये भी अब चले जाए स्नेक। दोस्तों इसका साइलेंट किलर नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों ये जाना नहीं चाह रहे आप देख सकते हैं, और एक इंडियन रेड स्नेक है दोस्तों जो धामन बोला जाता है, उसे भी हम रिलीज करते हैं। दोस्तों आप वीडियो में जरूर बने रहें। देख सकते हैं दोस्तों कितना ये बिग साइज का इंडियन रेड स्नेक है। तो दोस्तों थोड़ा स्नेक को छोड़ने में दिक्कत और परेशानी भी हुआ, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, ये जीवन में होते ही रहता है दोस्तों, और ऐसा हर हमेशा खतरा बना हुआ ही रहता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम आप लोग को कहना चाहेंगे वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपना छोटा भाई समझ के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी बातों को इसी के साथ इसी जगह समाप्त करते हैं, और दोस्तों मिलते हैं किसी वीडियो में किसी जीव जंतुओं को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।